एक घर के उत्ते अज सवेरे सवेरे अन्नेवाह फायरिंग की गई है। कई राउंड फायर करके हमलावर मौके तो फरार हो गए ने, जिस दे विच परिवारक मैंबर बाल बाल बचे ने। दस्सदी है कि अज एक बार फिर तो फायरिंग का मामला सामने आया। चंडीगढ़ के ताबड़तोड़ गोलियां चलिया ने एक घर के उत्ते हमलावर के वलों काफ़ी अन्नेवाह गोलियां चलाई गई ने, जिस दे विच हुण कई खोल पुलिस के वलों बरामद कर ले गए हैं। तो दस्सदी है कि कोई पुरानी रंजिश का यह मामला दसिया जा रहा है। चंडीगढ़ के सैक्टर 56 तो यह मामला सामने आया। हालांकि इस तो पहले भी जेकर गल की जाए तो दो दिन तो लगातार इस मुहल्ले दे विच कहा जा रहा है कि लगातार वारदातां हो रही सी। पहला तो गड्डिया के शीशे तोड़े जाते हैं एक रात पहला, तो फिर उस तो बाद अज सवेरे सवेरे तड़के एक घर नूं निशाना बनाते हुए हमलावरां दे वल्लों गोलियां चला दित्तियां गईयां ने, जिस तो बाद हुण इस घटना की जानकारी पुलिस नूं भी दित्ती गई है। तो पुलिस मौके के उत्ते पहुंची है तो मामले की जांच शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ के सैक्टर 56 के अज सवेरे अचानक एक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हालांकि फिलहाल कारण की है अजे तक नहीं पता लग पाया, लेकिन पुलिस की टीम CFSL की टीम जी मौके का पूरा जायजा लेंदी नजर आ रही है। इसे घर के जी फायरिंग हुई है, आपका ही घर है सर? मेरा रोबिन जी, हुआ क्या था, कुछ पता चला कौन थे? नहीं सर, कुछ नहीं पता चला, कोई विजय नाम का लड़का 25 सेक्टर का। अच्छा, तो कोई आपसी रंजिश है पहले? नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं जानता भी नहीं था उसको। अच्छा, कितने बजे का वाकया हुआ क्या? ये 6 बजे सर। अच्छा, हाँ जी, तो कितनी फायरिंग हुई? कितनी? 4 गोलियां मारी है ना उसने। अच्छा, तो आप घर पे थे उस टाइम? बिल्कुल, गरीब अंदर ही सोया था। अच्छा, तो कोई जानी नुकसान वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई धमकी वगैरह अभी तक आपको मिली होगी? नहीं, कोई धमकी नहीं मिली मुझे। उससे पहले उसने 4-4:30 बजे करीब नाइट फोर पर गोली चलाई है। वो NFS मेरा है, वहाँ पे काम करता हूँ मैं। ठीक है, वहाँ पे गोली चलाई है। तो कारण कुछ पता चल पाया है? कारण ये है कि वो 11:30 बजे करीब वहाँ से आया होगा कुछ वर्करों के साथ उसके आपस में, तो मैं वही किसी चीज़ को लेके गाड़ियाँ गुड़िया निकाल रहा था वहाँ पे। अच्छा। वर्करों ने कहा भी वे यहाँ पे है नहीं, जब वे आएंगे आप आ जाना सर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा, उससे बात हुई, कह रहा उसको बुलाएं भी। उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया तो मैं सोया हुआ था, मैं नहीं फ़ोन पिक मतलब कर पाया। इस वजह से फिर वो वहाँ पे उनके आपस में तो मैं वही नाइट फूड स्ट्रीट में आपका ही काम है वहाँ पे? हाँ सर। काफी धक्का सा ही हुई आपस में। तो ये कौन है जिसने गोली चलाई है? ये भी हाँ, नहीं इसका वहाँ पे नहीं है। ओके, ये सेक्टर 25 में रहता है। अच्छा, सुनने में आया सेक्टर 25 रहता है। ठीक है, हाँ। तो ये जो दो दिन, कल जो परसों जो रात को गाड़ियां तोड़ी हैं, इससे लेना देना कोई लिंक सामने आ रहा है कि जो गाड़ियां आपके ही सी मोड़? ये तो मुझे नहीं पता इससे लेना देना, पर इसका तो कोई लेना देना नहीं, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो घर के अंदर भी जो जो खोल है वो? हाँ, वो खोल तो बाहर पड़े हुए थे, जो अंदर की अगली होती उसकी वो अंदर ही पड़ी हुई। अच्छा अच्छा, कोई जानी? आपका परिवार वगैरह? परिवार सेफ हो गया, वाइफ को गोली लग जाती है, उन्होंने हटा लिया, बिस्तर पीछे कर लिया। मौके पे पुलिस आ गई थी? हाँ जी, इंचार्ज साहब आ गए थे। अभी तक कोई पकड़ा या कोई गिरफ्तार? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी वो नहीं मिला है। तो ऐसे इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ पहले से भी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ था रोमी जी आपका? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं, नहीं। मेरे को 10-12 साल है कि फूड काम करते हो, मुझे किससे क्या लड़ाई करनी, मेरा कोई लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल जिन्हों का घर है रॉबिन, हालांकि ये पुलिस वालों भी पूरा CFSL वालों पूरे निशान लाए गए ने, इत्थे ही जेडे खोल रिकवर किए गए ने, फायर नंबर A, B, C ते इत्थे इत्थे भी जिहड़ी हैगी ए खोल ए पूरा ए जिहड़ी फायरिंग हुई है घर के अंदर जिहड़ा बढ़िया, जिसनों लैके हुण पुलिस लगातार इहदे विच इन्वेस्टिगेशन करदी नजर आ रही है। और पुलिस इहदे विच इन्वेस्टिगेशन करदे होए कई चीज़ां नूं लैके इन्वेस्टिगेशन अंदर जिहड़े CFSL दी होर भी पुलिस टीम है वो सारा हुण करदी नजर आ रही है, क्योंकि कई चीज़ां नूं लैके हुण पुलिस वल्लों जिहड़े हैगे इन्वेस्टिगेशन कीती जा रही। हालांकि जो ओनर ने उन्हां वल्लों कहा गया है कि नाइट फूड स्ट्रीट दा उन्हां दा कम है, लेकिन पहला भी रात नूं उन्हां नूं पुछ रहा सीगा जिहड़ा 25 सैक्टर का कोई शख्स है, और उस तो बाद घर दे विच आके इन्हां दे घर दे बिल्कुल बाहर असी मौजूद हां, जिथे अंदर पुलिस लगातार CFSL होर भी फोरेंसिक टीम जिहड़ी है वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वह पूरा इन्वेस्टिगेट करदी नजर आ रही है कि आखिर रीजन की रहा, क्योंकि एक बड़ी गल है कि चंडीगढ़ के एरिया दे विच किस तरह दा। आपका क्या नाम? मेरा बेटा है। अच्छा, हाँ जी। कितने बजे की बात? 6 बजे की बता रहे, पर मैं यहाँ नहीं थी, मैं अपनी बेटी के पास जाकर लौट गई। अच्छा, हाँ जी। तो बताया रोबिन ने? हाँ जी, हाँ सुबह आए थे, हाँ सुबह आई, देखे थे गोलियां चली पड़ी यहाँ पे, मेरी पोती थी, मेरी बहू थी, मेरा बेटा था, पोता था मेरी, दो पोतिया थी मेरी। हाँ, बच्ची तुसी भी इतनी थी? नहीं, मैं आप पड़ोसी? मैं पड़ोसी नहीं, मैं तो कहीं और रहता। अच्छा, आप इनके रिलेटिव? हाँ जी, हाँ। आप लोगों को पता चला सारे? हाँ जी, हाँ। पता चला कौन था जैसे उन्होंने बताया? बस वही था जो पहचान। CCTV वगैरह कुछ? CCTV नहीं है यहाँ पे, CCTV नहीं है, नीचे नहीं है। ठीक है, तो कई चीजें लेके हुण पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये खोल ने
जिथे ये फायरिंग देखो गोली अंदर जी बड़ी है खोल जी अंदर बरामद हुए हैं। पुलिस नू एक राहत की गल रही कि छोटे छोटे बच्चे भी है फैमिली भी है जो कि जिहड़ा हैगा वह बच गए क्योंकि इहदे विच हुण पुलिस इन्वेस्टिगेशन करदी नजर आ रही है जिसनू लैके ये सारी CFSL की जिहड़ी टीम है वह हुण पूरा जिहड़ी खोल भी जिहड़े है वह सर एक बारी ये खोल जिहड़ा है वह बरामद किए गए ने जिसनू लैके हुण पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करदी नजर आ रही है क्योंकि ये वड्डी गल है कि इस तरह का जिहड़ा अचानक फायरिंग करना और ये जिहड़े खोल है वह भी बरामद किए गए ने। तस्वीरां तुहानू दिखा दईए कि ये जिहड़ा इत्थे ये ब्रीड बुलेट जिहड़ा है वह इत्थे मिलिया सीगा एक फायर्ड बुलेट इत्थे मिलिया एक फायर्ड बुलेट इत्थे मिलिया जिहड़ी पुलिस ने फोरेंसिक टीम ने जिहड़ा है वह पूरा राउंड किया ते इसे घर दे विच हालांकि परिवारिक मैंबर इत्थे सुते पए सीगे जिहड़े इन्हां ने जानकारी दित्ती है परिवारिक मैंबरां ने इत्थे ही बढ़ के अचानक जिहड़ा है इत्थे बिल्कुल बाहर खड़ के फायरिंग की गई है जो कि हालांकि राहत की गल है कि बच्चे भी सीगे छोटे छोटे जो कि सेफ है लेकिन किसी नूं लग सकती सी क्योंकि अचानक उन्होंने चार तो पांच फायर किए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच के हुण पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है कौन सीगे कोई रंजिश है या किस तरह की चीजें इसनूं लैके लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले च नहीं हुई है जिसनूं लैके हुण लगातार पुलिस वालों इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चंडीगढ़ तो कैमरामैन संदीप कुमार नाल मनोज राठी न्यूज़ 18 पंजाब। मुझे पता लगा कि कोई रोगी नाम का लड़का है इसका PGI में नाइटपुर स्ट्रीट में काउंटर है वहाँ कोई बिल के बारे कोई झगड़ा हुआ है तो वहाँ से वो घर आ गए तो फिर उन्होंने इसका एड्रेस पता करके यहाँ इसके घर पे 3 राउंड फायरिंग करके गए और बंदे के नाम हमारे को पता लग गया है। ठीक है अभी एक बार CFSL टीम आ गई मौके पर इसकी इंस्पेक्शन करवा के FIR लोड करके जल्दी पकड़ लेंगे। कुछ और कारण तो नहीं जिससे कोई जाना कोई थ्रेडिंग या कोई नहीं वो वेरीफाई करेंगे अभी क्योंकि हो सकता है पहले कभी रंजिश रही हो कोई बात रही हो वो भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर। तो एक फायरिंग अच्छी हुई थी PGI में भी बता रही हुई है लेकिन यहाँ 3 राउंड फायर करके गए थे दोनों पास लड़ाई झगड़े दोनों पास लड़ाई झगड़ा।